हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को स्वागत करते हैं और एक न्यू इंडियन स्ट्रीम वीडियो पे। जो बंदा न्यू हो एकदम सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ऑल पे दबा देना, क्योंकि इस चैनल पे आने वाले जो भी वीडियो आए सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाए। अब बात करते हैं, सबसे पहले आज मैं आप लोगों को बताऊंगा व्हाट्सएप के बारे में। व्हाट्सएप पे बहुत सारे न्यू फीचर आया है, मैं आप लोगों को उनमें से बहुत सारे फीचर के बारे में भी बताऊंगा और अपकमिंग कुछ फीचर के बारे में भी बताऊंगा। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है वीडियो, प्लीज़ लास्ट तक वॉच करना। अब चलते हैं व्हाट्सएप पर। व्हाट्सएप पर आ गया हूँ, ठीक है। आप लोगों को अपडेट के बारे में बता देती हूँ, ठीक है। पहले वाला अपडेट क्या है? पहले वाला अपडेट है, जब आप कोई स्टेटस डालते थे पहले, तो आप क्या करते थे, थ्री डॉट पे जाके स्टेटस प्राइवेसी पे जाके ये वगैरह सिलेक्ट करते थे, किसी को हाइड करना चाहते थे, तो इनमें से बहुत टाइम लग जाता था। बट अब ये टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि व्हाट्सएप एक न्यू फीचर लेके आया है। आप लोगों को दिखा देती हूँ उस फीचर के बाद, दिखा देती हूँ, ठीक है। चलो एक स्टेटस सिलेक्ट करता हूँ, मैं एक स्टेटस सिलेक्ट किया हूँ, ये स्टेटस सिलेक्ट किया हूँ, ठीक है। अब मैं उस स्टेटस प्राइवेसी पे जाके ये वगैरह नहीं करूँगा, ठीक है। मैं यहाँ पे ही डायरेक्ट करूँगा, यहाँ पे देखो नीज में देखो स्टेटस इंक्लूड, यहाँ पे क्लिक करना है मेरे को। यहाँ पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे डायरेक्ट आपको दिखा रही है, यहाँ पे डायरेक्ट दिखा रही है माई कॉन्टेक्ट, माई कॉन्टेक्ट एक्सपेक्ट ओनली शेयर विथ, ये सब करके डन करना है, ठीक है। सेकंड वाला फीचर आप लोगों को दिखाते हूँ। पहले चले जाता हूँ मेरा एक फ्रेंड का व्हाट्सएप चैट पे, ठीक है। मैं आ गया मेरा एक फ्रेंड का व्हाट्सएप चैट पे, मैं इसके बहुत सारे मैसेज किया था, वो भी मेरे को मैसेज किया है बहुत सारा, ठीक है। उस मैसेज से मैं एक मैसेज सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने से आप दिख रहे हो छः वाला इमोजी आपको दिखा दे रही है, ये पहले है मतलब क्या है मैसेंजर पर है। अब ये अपडेट व्हाट्सएप पर भी आ गया है, उनमें से एक भी सिलेक्ट करके आप भेज सकते हो, उसको रिएक्शन कर सकते हो। मैं इसको रिएक्शन करता हूँ, ठीक है। मैंने इसको हाँ हाँ रिएक्शन किया है, वो भी रिमूव भी कर सकते हो, रिमूव भी कर दिया। बहुत सारे आप इमोजी कर सकते हो, फिर रिमूव भी कर सकते हो, ठीक है। छः से भी ये जो यहाँ पे दिख रही हो छः इमोजी है, इससे भी ज़्यादा आप भेज सकते हो उसको। यहाँ पे देख रहे हो प्लस आइकन, प्लस आइकन पे क्लिक करना, प्लस आइकन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख रहे हो बहुत सारे इमोजी है, उनमें से एक सिलेक्ट करते हो मैं, उनमें से सिलेक्ट करके आप भेज सकते हो, ठीक है। देखो मैं भेज दिया उसको, ये रिमूव भी कर देते हूँ, रिमूव भी कर देती हूँ, ठीक है। ये हो गया सेकेंड वाला फीचर। थर्ड वाला फीचर बहुत इंटरेस्टिंग है, जो लोग अभी तक भी सब्सक्राइब या लाइक और नहीं किए हुए ना, प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक कर देना, क्योंकि सब्सक्राइब और लाइक करने से हमको मोटिवेशन मिलता है और न्यू मज़ेदार वीडियो आप लोगों के लिए बना सकता हूँ, ठीक है। अब चलते हैं थर्ड वाला टॉपिक पे। थर्ड वाला टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, जब आप कोई फ्रेंड या रिश्तेदार को कोई इंपॉर्टेंट मैसेज, कोई इंपॉर्टेंट फोटो या वीडियो आपको भेजते थे, तब आपका मन में एक डर रह जाता था कि वो बंदा किसी को भेजेगा या नहीं भेजेगा, ये सब डर रह जाता था। ये सब डर दूर करने के लिए व्हाट्सएप एक प्राइवेसी लेकर है। चलो आपको दिखा देती हूँ, पहले एक वीडियो भेज के आपको दिखा दी हूँ, ठीक है। मैं एक वीडियो या फोटो सिलेक्ट किया हूँ, ये फोटो मैं इसको भेजूँगा, ठीक है। यहाँ पे दिखा रही है एड ए कैप्शन, यहाँ पे कुछ लिखने के लिए बोल रहे हैं, उसके साइड पूरा देखो, यहाँ पे वन दिखा रही है, यहाँ पे मेरे को क्लिक करना है। जैसे मैं इसको क्लिक करूँगा, यहाँ पे दिखा रही है फोटो सेट टू व्यू वन, इसका मतलब है ये फोटो सेव एक एक बंदी को भेजूँगा, जिसको भेज रहा हूँ एक बार ही भेज पाऊँगा, और वो भी जो देखेगा ना वीडियो वो एक बार भी देख पाएगा, दूसरे बार उसको नहीं दिखेगा, ठीक है। मैं उसको आपको दिखाती हूँ, मैं भेज दिया उसको, भेजने के बाद आप देखो यहाँ पे दिखा रही है फोटो, फोटो ओके रहेगा, ठीक है। मैं यहाँ पे क्लिक कर रही हूँ, कुछ नहीं हो रहा है, मेरे पास भी शो नहीं हो रहा है, वो भी इसके तरह वहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन जैसे जाता है डाउनलोड करने के लिए, वो जाएगा उसके पास, इसी तरह मैसेज जाएगा, वो डाउनलोड करेगा तो वीडियो फोटो उसके पास ओपन होगा। फोटो ओपन होने के बाद जब दूसरे बार इस फोटो पे क्लिक करने जाएगा ना, कुछ नहीं होगा, जैसे मेरे पास हो रही है, मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ, वो भी कुछ नहीं कर पाएगा। मेरे पास दूसरा मोबाइल रहता तो मैं आपको करके दिखाता लाइव करके, और मेरे पास नहीं है इसलिए नहीं कर पे नहीं दिखा रही हूँ। आप खुद आपका घर का मोबाइल या कोई फ्रेंड का मोबाइल लेके आप मैसेज करके ऐसे कर सकते हो। और एक न्यू अपडेट के बारे में बता देती हूँ, ठीक है। ये अपडेट पहले नहीं था, आप किसी को मैसेज करके स्टिकर भी भेज सकते थे ना, वो डाउनलोड कर वो कैसे करते थे, गूगल पे जाके ऐसे स्टिकर सब डाउनलोड करते थे। अब ये सब व्हाट्सएप पर आ गया, मैं आपको करके दिखाती हूँ। देखो यहाँ पर क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद मैं इमोजी पर आ गया, इमोजी के आने के बाद यहाँ पर मैं डाउनलोड कर रहा हूँ, ठीक है। मैं आपको दिखाती हूँ,
देखो ये सारे बहुत सारा इमोजी है, इनमें से एक किसी को एक डाउनलोड कर सकते हो। मैं डाउनलोड किया हूँ, डाउनलोड हो रहा है। ये मुझे बहुत अच्छा लगा, सबसे इंटरेस्टिंग लगा ये डाउनलोड, मतलब ये फीचर बहुत अच्छा लगा मेरे को। डाउनलोड हो गया, ठीक है, डाउनलोड हो गया मेरे पे। देखो डाउनलोड हो चुका है, मैं ये सब भेजूँगा इसको, देखो भेज दिया इसको। ये सब पहले नहीं था, ठीक है, अब आया है, न्यू फीचर आया है ये। और एक भेज के दिखाती हूँ आपको, देखो और एक भेज के दिखाती हूँ। ये देखो बहुत सारा स्पाइडरमैन के स्टिकर मैं इसको भेज पा रही हूँ। ये है न्यू अपडेट, बहुत अच्छा लगा, मैं सबसे अच्छा वहाँ लगा इस अपडेट के बारे में, बहुत अच्छा लगा। सबसे लास्ट वाला अपडेट के बारे में बता देती हूँ। लास्ट वाला अपडेट क्या है, जब आप कोई ग्रुप बनाते थे उसका लिमिट क्या रहता था, उसका लिमिट रहता था 254 का मेंबर्स लेके ग्रुप बनाना क्या लिमिट रहता था, अब उसका डबल कर दिया गया है। अब लोग को एक ग्रुप बना के दिखाती हूँ, ग्रुप बनाती हूँ, ओके ओके ग्रुप बनाती हूँ, ठीक है। किसी एक को मैं सिलेक्ट करता हूँ, मैं इसको एक सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देख रहे हो 512 एक यहाँ पे दिखा रही है, ठीक है, आपको दिखा देती हूँ। देखो यहाँ पे दिखा रही है 512, 512 सिलेक्ट करने के लिए बोल रहे हैं। उसका डबल करके आप मतलब 512 मेंबर्स को ऐड करके ग्रुप क्रिएट कर सकते हो। बहुत इंटरेस्टिंग है ये, क्योंकि बहुत एक लिमिट रहता था 254 के बाद आप नहीं कर पाते, अब ये डबल हो गया, 512 हो गया, 512 लेके आप ग्रुप बना सकते हो बहुत आसानी से। और आप लोगों को बता देती हूँ एक न्यू फीचर आने वाली है, बहुत ही जल्दी लॉन्च होने वाली है। व्हाट्सएप इसके बारे में बता भी चुका है, क्या है बता देती हूँ। कोई ऑनलाइन रहे किसी को पता भी ना चले, काफ़ी दिक्कत वाली बात था, अब ये सब नहीं होगा क्योंकि व्हाट्सएप एक न्यू अपडेट आने वाली है, ठीक है। क्या है, हाइड ऑनलाइन स्टेटस, आप लोगों को दिखा देती हूँ ये क्या कहाँ पे दिखेगा। सेटिंग पे जाना है, सेटिंग पे जाने के बाद अकाउंट पे, अकाउंट पे जाने के बाद प्राइवेसी, प्राइवेसी के जाने के बाद यहाँ पे देख रहे हो लास्ट सीन, यहाँ पे लास्ट सीन कनेक्ट कनेक्ट यहाँ पे दिख रहे हो एवरी वन, माई कॉन्टेक्ट, माई कॉन्टेक्ट एक्सपेयर, नो बॉडी, नो बॉडी के साइड में आपको दिखेगा हाइड ऑनलाइन स्टेटस, आप लोग देख सकते हो हाइड ऑनलाइन स्टेटस यहाँ पे दिखेगा। और एक क्या आने वाली है, जब कोई व्हाट्सएप पर टाइपिंग करता था तो आपको दिखाई देता, वो भी आप लोगों को नहीं दिखाएगा। ये आने वाली कोई कुछ अपडेट है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना, और कमेंट करके बताना अगली वीडियो कौन सा टॉपिक पे बनाऊँ। तब तक के लिए चलता हूँ, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।